नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत मामले को लेकर एक बार फिर से आदित्य ठाकरे जो कि पुलिस के घेरे में आ चुका है। जी हां दोस्तों, ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है और बताया जा रहा है कि आदित्य ठाकरे का नार्को टेस्ट किया जाए। आखिर क्यों नार्को टेस्ट किया जाए और किस वजह से आदित्य ठाकरे को इसके बीच लाया गया है, ये सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दरअसल इससे पहले भी सुशांत सिंह राजपूत के केस में रिया चक्रवर्ती को नार्को टेस्ट के लिए भेजा गया था, लेकिन कुछ खास सबूत नहीं मिले थे। लेकिन इसी बीच अब लोगों का मानना है और सुशांत सिंह राजपूत के फैंस का मानना है कि आदित्य ठाकरे वो शख्स हैं जो सुशांत सिंह राजपूत के बारे में हर वो चीज जानता था और सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो भी कुछ उस कमरे में हुआ था वहां पे आदित्य ठाकरे मौजूद था। जिस वजह से अगर आदित्य ठाकरे का नार्को टेस्ट किया जाएगा तो सुशांत सिंह राजपूत का केस पूरी तरह सॉल्व हो सकता है। दोस्तों, ये बड़ी अपडेट जैसे ही निकलकर सामने आई उसके बाद से आदित्य ठाकरे काफी डर से गए और उसका मानना है कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में उसका कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जिस तरह से दिशा सालियान मामले को लेकर जिस तरह से आदित्य ठाकरे पर उंगली उठाया गया था, अब कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत के इस केस में आदित्य ठाकरे का नार्को टेस्ट हो सकता है। दोस्तों, जैसे ही अगर आदित्य ठाकरे का नार्को टेस्ट होगा तो वो सारा सच्चाई सामने आ जाएगा कि आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत के साथ उसके कमरे में कौन लोग गए थे और वो 9 लोग कौन थे जिन लोगों ने मिलकर सुशांत सिंह राजपूत को खत्म किया था। तो दोस्तों, इस केस में कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती तो पहले से थी ही, उसके बाद से आदित्य ठाकरे का भी नाम अब जुड़ने लगा है और आदित्य ठाकरे का भी नार्को टेस्ट किया जा सकता है, क्योंकि सीबीआई को बहुत सारे ऐसे सबूत मिल चुके हैं जिसके आधार पर सुशांत सिंह राजपूत को अब न्याय मिल सकता है। तो दोस्तों, देखने वाली बात है कि कब आदित्य ठाकरे को बुलाया जाता है, उनसे पूछताछ होती है, क्या उनका भी नार्को टेस्ट होगा कि नहीं। जैसे ही कोई अपडेट आएगी मैं आपको सबसे पहले अपने चैनल पे जरूर दूंगा। धन्यवाद।